देखो हम लोग क्या बताए थे, इस कैम्बियम का दो नाम दिए थे, एक कैम्बियम और दूसरा फैसिकुलर कैम्बियम। और क्या बताया कि पिथ रे का वो टिश्यू जो इसके डायमीटर में था वो अचानक क्या हो गया, दैट बिकम सडनली मेरिस्टमेटिक। और अब इस टिश्यू का नाम क्या रखे हम लोग, इंटर, बीच में किसके, दो दो फैसिकुलर कैम्बियम के। तो अब ध्यान से देखो ये टिश्यू किसके बीच में है, ये है फैसिकुलर कैम्बियम और ये है फैसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों के बीच में है, किसके बीच में है, दो दो फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में है, इसीलिए इसका नाम दिया गया। इंटर मतलब हमेशा बीच में है, तुम लोग इंटर में हो मतलब यू आर इन मिडिल, बीच में हो, मैट्रिक और टेंथ और ग्रेजुएशन के बीच में हो, तो इंटरमीडिएट इसलिए नाम पड़ता है। इंटर मतलब हमेशा क्या होता है, इन बिटवीन। तो इंटर का मतलब क्या हो गया, इन बिटवीन, किसके बीच में, इन बिटवीन टू फैसिकुलर कैम्बियम, दो फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, इंटर मतलब बीच में, किसके, फैसिकुलर कैम्बियम के। तो नाम रटने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। नाम कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि ये बीच में था, दो दो कैम्बियम के, हम लोग इसका नाम क्या रखे, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। तो हम लोग क्या जाने, अब जरा सा तुम ही बताना कि ये तो परमानेंट टिश्यू था, कौन, पिथ रे कैसा टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू था, और परमानेंट टिश्यू का कुछ सेल फिर से रिटेन कर लिया पावर ऑफ डिवीजन, इसीलिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम का पहला एग्जाम्पल हमको मालूम हो गया है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेम का पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, तो क्या आंसर देंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम का पहला एग्जाम्पल हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाम क्लियर हो गया, नाम कैसे डिराइव हुआ फिर से बोलो, चूंकि ये दो दो कैम्बियम के बीच में है इसीलिए टर्म यूज किए, इंटर बीच में है किसके, दो दो फैसिकुलर कैम्बियम के, और फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में था इसलिए टर्म लिख दिए फैसिकुलर कैम्बियम। तो पूरा वर्ड क्या बन गया, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, पूरा टर्म क्या डिराइव हो गया, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। अब देखो इंटरफेसिकुलम कैम्बियम किससे बना, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नाउ द सेल ऑफ पिथ रे बिकम सडनली मेरिस्टमेटिक। कौन सा रे मेरिस्टमेटिक हो गया अचानक, तो क्या बोलेंगे, पिथ रे। और पिथ रे कैसा टिश्यू था, इट वाज ए परमानेंट टिश्यू। तो अब उस कहानी को याद करो कि दादाजी अचानक बच्चों की तरह बिहेव करने लगे। ये परमानेंट टिश्यू था मतलब दादाजी थे, और ये फिर से पावर ऑफ डिवीजन को रिटेन कर लिया मतलब ये मेरिस्टमेटिक हो गया, इसीलिए इंटर फैसिकुलर कैम्बियम बिकम एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये किसका एग्जांपल हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हो गया। ये पहली बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, चूंकि ये भी मेरिस्टमेटिक है और पहले से फैसिकुलर कैम्बियम तो मेरिस्टमेटिक है ही, दोनों ही अपने लैटरल साइड में नए सेल को कट ऑफ करना शुरू किया। ये इधर और ये इधर नए सेल को क्या कर रहा था, कट ऑफ कर रहा था। तो करते करते एक टाइम आया जब सभी सेल आपस में कंबाइन कर गया, और कंबाइन करने के बाद ये कैसा अपीयर होने लगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या क्या हुआ फिर से बताओ, ये पूरा का पूरा एक रिंग कैसे बना, हम लोग कहेंगे कि जो टिश्यू कैम्बियम का था ये मेरिस्टमेटिक शुरू से था। कैम्बियम को हम लोग किसके एग्जाम्पल के रूप में जान रहे थे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों, क्योंकि कैम्बियम तो शुरू से मेरिस्टमेटिक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये क्या है, मेरिस्टमेटिक है, ये डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन करता है। लेकिन पेरेन्काइमेटा कौन सा, पिथ रे जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू था ये तो परमानेंट हो चुका था, ये परमानेंट टिश्यू फिर से रिगेन किया किसको, पावर ऑफ डिवीजन को, किसको रिगेन किया, पावर ऑफ डिवीजन को रिगेन किया, इसीलिए इस टिश्यू का नाम हम लोग क्या रखे, इंटर बीच में किसके, फैसिकुलर कैम्बियम के, तो नाम हो गया इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। और चूंकि एक परमानेंट टिश्यू फिर से रिगेन किया तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, वेयर एज फैसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये दोनों ही अपने लैटरल साइड में जब सेल कट ऑफ करना शुरू किया तो फाइनली क्या बन गया, ये यूनाइट करके एक रिंग बना दिया। इस पूरे रिंग का नाम अब हम लोग दे दिए कैम्बियम रिंग। क्या नाम दिए इसका हम लोग अब? कैम्बियम रिंग। अब देखो इस पे जो मेडिकल में क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बच्चे गलती भी करते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, जरा समझो इसको। ये जैसा देख के बताओ कैम्बियम रिंग किन किन टिश्यू की एक्टिविटी से बना, तो क्या बोलेंगे? बाय द एक्टिविटी ऑफ फैसिकुलर कैम्बियम, जो नेचर में प्राइमरी मेरिस्टेम था, एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि नेचर में कैसा था? सेकेंडरी मेरिस्टेम था। ये बाद में एक्टिव हुआ, ये शुरू से एक्टिव था। तो दो तरह के टिश्यू के एक्टिव होने से कौन बना? कैम्बियम रिंग बना। फिर से बताओ क्या क्या बोले, कैम्बियम रिंग कैसे बना? तो द क्वेश्चन इज हाउ कैम्बियम रिंग इज फॉर्म। ये मेडिकल का टिपिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन तुमको क्या ढूंढना होगा? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ बोथ प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन सा इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल होगा? तो बोलेंगे कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, वेयर एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। दोनों ही ने एक्टिव होकर बनाया, इसीलिए कैम्बियम रिंग। और कैम्बियम रिंग किसका एग्जाम्पल आ गया आप? तो कहेंगे कैम्बियम रिंग इज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बोथ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। दूसरा फिर क्वेश्चन इसमें आता है मेडिकल में कि कैम्बियम रिंग में कौन कौन सा दो तरह का टिश्यू दिख रहा था, है ना? ऑप्शन तुमको देखना होगा और आंसर तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये या तो ऐसा ऑप्शन देगा कि दे आर मेड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा ऑप्शन कैसा दे सकता है? दूसरा ऑप्शन दे सकता है दे आर मेड बाय द एक्टिविटी ऑफ बोथ प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। और फाइनली ये जो रिंग बना, इस रिंग का नाम क्या रखे? चूंकि दोनों ही शब्द में कैम्बियम था, इसको कहते फैसिकुलर कैम्बियम, इसका नाम रखे थे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसीलिए इस पूरे रिंग का नाम क्या रख दिए? कैम्बियम। दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? कैम्बियम। इसीलिए इस रिंग का नाम क्या रखे? कैम्बियम रिंग। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो कैम्बियम रिंग से दो क्वेश्चन क्या अच्छा बन सकता है? कैम्बियम रिंग कंसिस्ट ऑफ, तो आंसर होगा बोथ प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इनमें प्राइमरी कौन सा है बताओ फिर से, प्राइमरी कौन सा होगा? तो आंसर क्या देंगे? फैसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। और फाइनली क्या बन गया? कैम्बियम रिंग बन गया। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों को याद हो गया किसका। अब हम लोग एग्जाम्पल किसका देखे? सेकेंडरी मेरिस्टेम का पहला एग्जाम्पल याद हो गया। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे नाम डिराइव हो रहा है ये समझ रहे हैं। हम लोग रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये जो पोर्शंस होता है, लोग कहते हैं रटना है, नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है। हम रटने की बात तो करते हैं, पूरे बायोलॉजी में सिर्फ 5% कॉन्सेप्ट है रटने वाला, 95% है समझने वाला, बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह कॉन्सेप्चुअल। तो यहाँ भी हम लोग इन्हीं चीज़ों को समझा रहे हैं। फिर हम आते हैं, अब ये कैम्बियम रिंग जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिव हो गया तो ये सेल कट ऑफ करेगा। अब देखो तो साइड में जगह है इसके पास सेल कट ऑफ करने के लिए, तो साइड में तो ये रिंग बन चुका है, लैटरली देयर इज नो प्लेस, अब इसके पास जगह ही नहीं है। लेकिन ये नेचर से क्या है? नेचर से ये मेरिस्टेमेटिक है, दो दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के इससे बनने से बना है, जुड़ने से बना है। तो नेचर में तो ये मेरिस्टेमेटिक ये डिवाइड तो करेगा, लेकिन साइड में जगह नहीं है। मतलब ऐसे समझो, एक मारने वाली गाय है, मरखंडी गाय हम लोग कहते हैं ना, अब उसका नेचर है वो मारेगी मारेगी, नहीं अगर आदमी नहीं मिलेगा तो किसी पेड़ को जाके मार देगी। ठीक उसी तरह से इसके पास लैटरली जगह नहीं है, तो ये अंदर और बाहर की तरफ सेल कट ऑफ करेगा, करेगा तो पक्का। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही है, नाम ही इसका हम लोग क्या रखे हैं? मेरिस्टेमेटिक। नहीं तो एक कैम्बियम रिंग दो दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जुड़ने से बना है। अब हम लोग देखते हैं ये अंदर क्या कट ऑफ करेगा और बाहर क्या कट ऑफ करेगा। अंदर की तरफ ये बनाएगा पहले से अंदर क्या है देखो तो तुम लोग आंसर क्या बोलोगे? वैस्कुलर बंडल के अंदर पहले से था जाइलम और फिर ये दोबारा कैम्बियम रिंग भी बनाएगा जाइलम। तो एक आदमी पहले आया, उसका भी नाम था मोहन, तो उसका नाम रखेंगे प्राइमरी मोहन। दूसरा आदमी उसके बाद आया, उसका भी नाम था मोहन, तो उसका नाम क्या रखेंगे? सेकेंडरी मोहन। ठीक उसी तरह से ये जाइलम जो पहले से था अब इसको कह देंगे प्राइमरी जाइलम। और अब जो जाइलम ये अंदर की तरफ बनाया इस जाइलम का नाम क्या रख देंगे? सेकेंडरी जाइलम। क्या नाम रख देंगे इसका हम लोग अब? सेकेंडरी जाइलम। तो ये सेकेंडरी जाइलम। अब क्वेश्चन आता है ये अंदर की तरफ क्या बनाया और बाहर की तरफ क्या बनाया, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो तुमको आंसर याद हो गया? अंदर पहले से क्या था? एक वैस्कुलर बंडल के अंदर पहले से जाइलम था, जो पहले से था वही ये बना रहा है, मतलब जाइलम ही बना रहा है। तो जाइलम बना रहा है, लेकिन पहले वाले जाइलम का नाम क्या रखेंगे अब? प्राइमरी जाइलम। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ के समय नया जाइलम बना तो उसका नाम क्या रख देंगे? सेकेंडरी जाइलम। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग कहेंगे सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म बाय कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म इनसाइड और आउटसाइड, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? इट इज फॉर्म इनसाइड। क्यों इनसाइड? क्योंकि लोकेशन मालूम है, जाइलम का लोकेशन हमेशा कहाँ है? अंदर की तरफ। और बाहर की तरफ क्या बनाया ये? अब बाहर की तरफ ये फ्लोएम बना रहा है। फ्लोएम देखो इस डायग्राम में, वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ बना पहले से एक फ्लोएम ये था, इसीलिए इस फ्लोएम का नाम प्राइमरी फ्लोएम। बाद में जो बनेगा इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये भी शब्द याद नहीं करना है और दोनों का लोकेशन भी नहीं रटना है। दोनों टर्म क्लियर हो गया? क्या क्या बताए? पहले से जो जाइलम था वैस्कुलर बंडल के अंदर उसका नाम लोग कहेंगे प्राइमरी जाइलम। लेकिन अब जब सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हुई उस समय जो जाइलम बनाया कौन? कैम्बियम रिंग। कहाँ? इनसाइड। उसका नाम क्या रखे हम लोग? उसका नाम रख दिए सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ जब जो सेल बनाया, बाहर ऑलरेडी पहले से था फ्लोएम, उस पहले वाले फ्लोएम का नाम क्या रखे? प्राइमरी फ्लोएम। इसीलिए अब जो ये फ्लोएम बना रहा है उसका नाम क्या रख देंगे? सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखो ध्यान से, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी फ्लोएम बनने से क्या होने लगा? ये बाहर की तरफ जब नया नया सेल बना रहा था तो एपिडर्मिस के लिए क्या बोलेंगे? नया नया सेल के बनने से एपिडर्मल वॉल पे एक आउटवर्ड प्रेशर पड़ रहा था। क्या हो रहा था जरा समझो इसको फिर से। नया नया सेल बाहर की तरफ सेल कट ऑफ कर रहा है, ये प्लांट का डायमीटर है। प्लांट के डायमीटर के बाहर वाले लेयर का नाम क्या रखें? एपिडर्मिस। तो यहां पे जब बहुत सा नया नया सेल बनेगा तो अंदर से वॉल की तरफ प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नए सेल से मान लो कि 1000 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो गया तो इट विल क्रिएट एन आउटवर्ड प्रेशर। और एपिडर्मिस के वॉल पे एक दबाव पड़ रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहां से? फ्रॉम इनसाइड। इस प्रेशर का क्या रिजल्ट हो सकता है जरा सोचो। ये प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एपिडर्मल टिश्यू रप्चर करना शुरू करता है, जगह जगह पे ये क्रैक करना शुरू कर जाता है। कौन क्रैक करने लगा? एपिडर्मल टिश्यू जगह जगह पे क्रैक करना शुरू किया। ज्यों ही एपिडर्मल टिश्यू क्रैक करेगा अब सेल के लिए बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सेल का जो बाहर का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। किन किन चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है? तो बाहर में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता था। तो एपिडर्मिस का काम था ये पैथोजेनिक माइक्रोब से प्लांट को बचा रहा था। और हम लोग क्या बोले कि वही एपिडर्मिस जो अब तक प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, क्या कर रहा था? प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। वही एपिडर्मिस जो अब तक प्रोटेक्शन का काम कर रहा था वो क्रैक होना शुरू कर गया। क्यों क्रैक हो रहा था? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो सेकेंडरी फ्लोएम के ज्यादा बनने से आउटवर्ड प्रेशर ये क्रिएट कर रहा था, प्लांट के बॉडी में क्या कर रहा था, आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट कर रहा था। उस आउटवर्ड प्रेशर का रिजल्ट क्या हुआ, उस आउटवर्ड प्रेशर का रिजल्ट हुआ एपिडर्मिस जगह जगह पे क्रैक करने लगा। अब ये प्लांट के लिए हम लोग कहेंगे इज इट ए नॉर्मल कंडीशन, तो व्हाट इज आवर आंसर, नो इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। पर प्लांट के लिए तो बहुत दुखदाई बात हो गई, क्यों, क्योंकि प्लांट का वो टिश्यू क्रैक कर रहा था जो प्लांट को माइक्रोब से बचा रहा है, जो प्लांट को अटैक करने से, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स अटैक कर रहा था उन सब चीजों से बचा रहा था, वही अब क्रैक कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्लांट क्या करेगा, प्लांट सडनली इनमें से जो कॉर्टेक्स का लेयर है अचानक कोई एक लेयर सडनली मेरिस्टमेटिक होके प्रोटेक्टिव इन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सडनली मेरिस्टमेटिक हो जाएगा और प्लांट के प्रोटेक्शन में हेल्प करने लगेगा और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में नया एक लेयर बन गया। किससे बना, तो कहते हैं कॉर्टेक्स का कोई एक लेयर, एनी वन लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम सडनली मेरिस्टमेटिक, कोई एक लेयर सडनली क्या हो गया, मेरिस्टमेटिक हो गया और वो एक रिंग लाइक बनाया। क्यों बनाया, फिर से समझो इस बात को, वो क्यों बनाया, क्योंकि एपिडर्मिस क्या हुआ, एपिडर्मिस कुछ कुछ पॉइंट पर रप्चर कर गया। फिर से सोचो क्यों रप्चर किया, तो आंसर क्या दिए, ये जो कैम्बियम रिंग था ये बाहर की तरफ जब बहुत अमाउंट में फ्लोएम बनाया, इस अमाउंट ऑफ फ्लोएम के चलते आउटवर्ड प्रेशर पड़ रहा था। इस आउटवर्ड प्रेशर पे एपिडर्मिस जब तक सस्टेन कर पाया तब तक तो ठीक था, लेकिन एक टाइम आया जब एपिडर्मिस क्या किया, अब अंदर के इस प्रेशर को रिटेन नहीं कर पाया और ये जगह जगह पे राउंडेड स्ट्रक्चर क्रैक करना शुरू कर गया। जो ही क्रैक करेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया अंदर आना शुरू करेगा, माइक्रोब्स अंदर आएगा, प्लांट को डिजीज क्रिएट हो सकता था। ऐसी स्थिति में प्लांट क्या किया, अपने को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया, एक नया प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया। इस नए प्रोटेक्टिव लेयर का नाम रखते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम रखे हम लोग इसका, कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम, अब देखो ये जो कॉर्क कैम्बियम बना ये नेचर में मेरिस्मेटिक है, मतलब अब ये भी नया सेल अंदर और बाहर की तरफ कट ऑफ करेगा, अंदर और बाहर की तरफ क्या करेगा, कट ऑफ करेगा। तो ये नया नया सेल कट ऑफ करेगा, मतलब ये जो बना जिसका नाम रखे हम लोग कॉर्क कैम्बियम, ये नेचर में कैसा बना, मेरिस्मेटिक। और किससे बना, तो कहते हैं कॉर्टिकल सेल परमानेंट टिश्यू था, कॉर्टेक्स का कोई एक लेयर सडनली मेरिस्मेटिक हो गया, मतलब ये डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन कर रहा है, अचानक ये डिवाइड करने लगा और अब इस लेयर का नाम जो राउंडेड स्ट्रक्चर बना प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट के लिए हम लोग उसका नाम क्या रख दिए, कॉर्क कैम्बियम। क्या नाम रखे इसका हम लोग, कॉर्क कैम्बियम। अब तुम ही लोग बताओ कॉर्क कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होना चाहिए या सेकेंडरी मेरिस्टेम का, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर क्वेश्चन है व्हाई, तो व्हाट इज योर आंसर, क्या बोलेंगे, कहेंगे बिकॉज द कॉर्टिकल सेल इज ए परमानेंट टिश्यू, now one layer of cortical cell suddenly regain power of division and this is the character of permanent tissue। कि permanent tissue के character में से हम लोग बता रहे थे कि secondary meristem is always derived from a permanent tissue और permanent tissue when regain power of division then the term is what, secondary meristem। तो चूंकि ये cortical cell was permanent tissue, इनमें से वन लेयर सडनली बिकम मेरिस्मेटिक, सो दिस लेयर विच बिकम मेरिस्मेटिक इज टर्न एज कॉर्क कैम्बियम। इसका नाम क्या रखे हम लोग, कॉर्क कैम्बियम। और ये कॉर्क कैम्बियम किस कैसा हो गया नेचर में, तो क्या बोलेंगे, इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। कैसा हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। क्यों सेकेंडरी मेरिस्टेम उसको बोले, क्योंकि एक परमानेंट टिश्यू था ना, कॉर्टिकल सेल कैसा था, ये परमानेंट टिश्यू था, ये ऑलरेडी लॉस कर चुका था पावर ऑफ डिवीजन को, सडनली ये रिगेन किया, मेरिस्मेटिक हो गया, इसीलिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं क्या टर्म यूज कर रहे हैं, इट इज क्या बोलेंगे सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो अब तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा कॉर्क कैम्बियम। एक तरीका ये था कि हम लोग इसको रट लेते और दूसरा तरीका ये हुआ कि हम लोग इसको समझे, तो कौन सा बेटर है बेटा? तो कहेंगे बच्चों ये बेटर है, कौन सा? तो ये तरीका हम लोग समझने वाला, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या क्या हुआ फिर से समझने की कोशिश करो, फिर से इसको हम लोग रिवाइज कराते हैं। क्या बताएं हम लोग पहला टॉपिक देखे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम हमको समझना था। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम समझने के लिए हम लोग क्या किए, एक डायग्राम बनाए। इस डायग्राम में एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम समझा रहे थे हम लोग। इसके बाहर वाले लेयर का नाम रखे एपिडर्मिस। ये नाम कैसे डिराइव हुआ तुमको बताया अभी हम। एपी मतलब एबव, डर्म मतलब स्किन। तो चूंकि बॉडी के आउटर मोस्ट पोर्शन का पार्ट था इसीलिए इसका नाम रख दिए एपिडर्मिस। सेकेंड पार्ट हम लोग क्या बताया, सेकेंड लेयर को कहते हैं हाइपोडर्मिस। ये एपिडर्मिस के बारे में एक और कैरेक्टर बताया कि शूट में या स्टेम के एपिडर्मिस में कुछ हेयर निकला रहता है, इस हेयर के हम लोग कहते हैं इसको शूट हेयर। शूट हेयर का भी कैरेक्टर बताया कि शूट हेयर्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। फिर क्वेश्चन एक था मेडिकल का, इसमें क्वेश्चन आ सकता था व्हाई शूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर। तुमको ऑप्शन क्या देखना है और क्यों देखना है, क्या देखना है और क्यों देखना, दोनों बातें। तो समझी हुई बात हो गई, चूंकि बॉडी से पानी को बाहर निकलना है थ्रू शूट हेयर। तो अगर ये यूनिसेलुलर होता तो ज्यादा पानी निकल जाता, मल्टी सेलुलर है तो पानी रुक रुक के निकलेगा और पानी कम निकले, इसीलिए शूट हेयर्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ गए। सेकेंड लेयर का नाम क्या रखे थे हम लोग, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज क्या बोले थे, हाइपोडर्मस या हाइपोडर्मल सेल। ये नाम कैसे डिराइव हुआ, ये नाम डिराइव हुआ हाइपो मतलब बिलो और डर्म मतलब स्किन। स्किन के जस्ट नीचे का लेयर है इसीलिए टर्म यूज किए हाइपोडर्मल सेल। उसके बाद वाले लेयर का नाम क्या रखे हम लोग, उसके बाद वाले लेयर का नाम रखे जनरल कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल सेल। और उसके चौथे लेयर का नाम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स के लिए नाम जो दिए वो क्या था, एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के बाद हम लोग स्टार्ट किए और टर्म यूज किए पेरीसाइकिल और उसके अंदर दिखाना शुरू किए वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल किसको बोले, एक ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू को जो जाइलम और फ्लोएम दोनों को कैरी कर रहा था। जाइलम वॉज मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम वॉज मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम और फ्लोएम जिस बंडल के अंदर, जिस मकान में, जिस घर में रह रहे थे, उस घर का नाम, उस मकान का नाम क्या था, वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का लेयर था, उस मेरिस्मेटिक टिश्यू के लेयर का नाम क्या दिया हम लोग, कैम्बियम। और हम लोग क्या बताया कि कैम्बियम इज ए मेरिस्टमेटिक टिश्यू। कैम्बियम कैसा टिश्यू है, एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो क्या कर रहा है, डिवीजन की कैपेसिटी को रिटेन कर रहा था। और फिर हम लोग क्या बताया, सेंट्रली लोकेटेड सेल्स का नाम रखे थे पिथ। पिथ से निकलने वाले टिश्यू का नाम रखे पिथ रे। पिथ रे का वो टिश्यू जो फैसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम की लाइन में था, सेकेंडरी ग्रोथ के समय सडनली क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया। और अब इसका नाम क्या रखे थे, इंटर, बीच में किसके, फैसिकुलर कैम्बियम के बीच में है, नाम क्या रखे, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। इंटर फैसिकुलर कैम्बियम बाद में अपीयर हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ के समय आया, इसीलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। किसका एग्जाम्पल ये हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम का पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा देखे हम लोग, फिर बताए नाउ द कैम्बियम रिंग इज फॉर्म। फैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम दोनों ही सेल लैटरल साइड में नहीं कट कर पा रहा था, पहले लैटरल साइड में कट ऑफ किया तो रिंग बन गया। और रिंग बनने के बाद अब लैटरल साइड में जगह नहीं थी तो वो अंदर और बाहर सेल कट ऑफ कर रहा था। अंदर की ओर जो सेल कट ऑफ किया उसका नाम क्या बताया, सेकेंडरी जाइलम। क्या नाम रखे उसका हम लोग, सेकेंडरी जाइलम। क्यों नाम रखे, क्योंकि पहले से जाइलम था, अब नया जाइलम बना तो नाम रख दिए सेकेंडरी जाइलम। और बाहर कौन था, फ्लोएम पहले से था, इसलिए अब जो ये फ्लोएम बनाया उसका नाम रखे सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर क्या बताएं, सेकेंडरी फ्लोएम के बनने से एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, कहां पे, एपिडर्मल वॉल पे। इस एपिडर्मल वॉल के प्रेशर को ये रिटेन नहीं कर पाया, इसीलिए जगह जगह पे ये क्रैक हो गया। जो ही ये क्रैक हुआ, प्लांट में इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ गई। प्लांट में पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ भी घूम अंदर आ सकता था, इसीलिए प्लांट एक मैकेनिज्म डेवलप किया और वो मैकेनिज्म क्या था, इसका कोई एक लेयर कॉर्टेक्स का अचानक मेरिस्टेमेटिक होके एक प्रोटेक्टिव रिंग बना दिया। इस प्रोटेक्टिव रिंग का नाम रख दिए कॉर्क कैम्बियम। चूंकि ये प्रोटेक्टिव रिंग कॉर्टेक्स के किसी एक लेयर से बना, हम लोग टर्म यूज करेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्योंकि कॉर्टिकल सेल ये परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू का अचानक कोई एक लेयर क्या हो गया है, मेरिस्टेमेटिक हो गया और ये सडनली डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन कर गया। इसीलिए कॉर्क कैम्बियम एंड कौन दो एग्जाम्पल हो गया, एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया किसका, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। तो आज हम लोग अभी तक क्या क्या देखे, हम लोग देखे प्रो मेरिस्टेम, हम लोग देखे प्राइमरी मेरिस्टेम और हम लोग देखे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये तीनों किसका पार्ट था, तो एक पार्ट हम लोग का फिनिश हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग इसको फिनिश किए। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, एंड फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।